हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और सेकेंड वीडियो के लिए आज आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हमने ये आज ही अपलोड कर दी है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक के बारे में। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से हमारा मतलब है कि वो कौन से तत्व होते हैं जो एक व्यक्ति के सामाजिक विकास में, यानी कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है समाज के अंतर्गत, समाज की वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, जो उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो पालन पोषण सबसे वन नंबर पर हम रखेंगे पालन पोषण को, क्योंकि बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है, जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं और अनुभूतियां विकसित होती जाती हैं। सहानुभूति सेकंड पर हम रखते हैं सहानुभूति। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण ये है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। सिंपति वाली फीलिंग जो होती है वो बच्चे को सिखाती है कि आप किसी दूसरे के साथ कैसे प्यार से बिहेव करें। अगर उसको खुद को ये चीज़ें नहीं मिलती है तो वो सामने वालों के साथ ये कर भी नहीं पाता है। इसलिए कहा जाता है कि सहानुभूति भी एक तरीके से बच्चे की समाजीकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम जानेंगे वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं और क्षमताएं आदि। इनके अतिरिक्त अनेक अनुकरण और सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे परिवार के बारे में। बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे बालक बड़ा होता जाता है, सहानुभूति और प्रेम, सहनशीलता और सहयोग की भावनाएं उसमें सामाजिक गुणों के तौर पर विकसित होती जाती हैं। इसके बाद पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार से बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके अपनी संस्कृति और सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों और बालकों के संपर्क में रहने से वो सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद आता है स्कूल के बारे में। परिवार और पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक और शिक्षकों के बीच में रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। यानी कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने जाना पालन पोषण, सहानुभूति, वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस और स्कूल। ये सभी अलग अलग तरीके से समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे स्टडी विद नेहा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।